हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पांच ऐसे शेयर्स के बारे में जिसमें हाल फिलहाल में अगर आपने इन्वेस्ट किया है या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान है तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के केसेस अगर हम देखें तो बहुत ही तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और ये वो पांच कंपनियां हैं जिन पर ये कोरोना के बढ़ते केसेस का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी इसकी वजह से क्रिएट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो जिन पांच कंपनियों के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर अपडेट ले, तो पिछले 24 घंटे में 2,70,000 नए कोरोना के केसेस इंडिया में निकल कर आए हैं और 1,185 लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है। 2,70,000 नए केसेस मतलब अब तक का सबसे बड़े आंकड़े है ये, और ये जो आंकड़े हैं वो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, हर रोज बड़ी तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये वाकई में डराने वाले हैं। अब देखिए, पिछली बार जितना पीक नहीं था उससे ज्यादा ये पीक है। पिछली बार तो भैया 1 लाख केस भी नहीं पहुंचे थे एक दिन में, इस बार 2 लाख से भी ऊपर निकल चुके हैं और अभी भी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार इस चीज को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू भी इम्पोज कर चुकी है। इतना ही नहीं, जो वीकेंड में भी इन्होंने नाइट कर्फ्यू वीकेंड कर्फ्यू की भी बातचीत चल रही है, और केस अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चीजें थोड़ी सी डराने वाली यहाँ पर जरूर है। ऐसे में कुछ कंपनी है जिसको नुकसान है। पहली कंपनी है वीआईपी इंडस्ट्रीज, राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को बेचा है। बहुत सारे शेयर्स इन्होंने बेचे थे अभी हाल फिलहाल में ही, तकरीबन 42 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स बेचे थे। 330 रुपए का ये शेयर है। अब देखिए, पहला पैटर्न को समझिए, एक साल में 36 से भी ज्यादा % का ग्रोथ है यहाँ पर। देखिए, कोरोना काल में इससे पहले भी शेयर 205 रुपए तक टूट गया था, ठीक है, लेकिन बाद में एक बड़ा मौका भी बना, 410 रुपए तक भी शेयर गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे केसेस बढ़ने लगे ये शेयर वैसे वैसे टूटने लगा। वीआईपी इंडस्ट्रीज 350 रुपए का शेयर है और देखा जाए तो भैया काफी रेप्यूटेड कंपनी है, बेहतर कंपनी है, शानदार कंपनी है, लेकिन कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो है टूरिज्म सेक्टर। बैग बनाने का काम कंपनी ये करती है। ऐसे में अभी अगर देखा जाए तो कोई कहीं बाहर घूमने नहीं जा, जब आप बाहर घूमने ही नहीं जाओगे तो भैया आप ट्रैवल बैग खरीद के करोगे क्या। प्रॉब्लम्स यहाँ पर यही है। आप देखिए, शेयर इसीलिए एक झटके में टूटा था। अगर मैं आपको कोरोना से पहले का इसका ग्राफ दिखाऊं तो देखिए शेयर कहाँ पे था, शेयर 500 रुपए के ऊपर था, जैसे ही कोरोना आया शेयर एकदम से टूटा और 203 रुपए तक पहुंच गया, इतनी भयंकर गिरावट थी। लेकिन जैसे जैसे से सिचुएशन अच्छी होती गई शेयर में बढ़ोतरी भी हुई, प्राइस में बढ़ोतरी भी हुई। मतलब 330 रुपए का शेयर है, गिरावट आ सकती है, 275 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिलता है तो खरीदने का मौका बनता है यहाँ पर। अभी आपको खरीदारी करनी है तो भैया दूर ही रहे इससे। अभी मैं बाइंग की इसमें सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी हैवी रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं और ऐसे में भैया घूमना तो आप भूल ही जाओ कि आपको कहीं बाहर घूमने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम देखें तो वीआईपी इंडस्ट्रीज को नुकसान है। शेयर पिछली बार बहुत टूटा था, इस बार भी टूटने के चांसेस है, हालांकि टूट ही रहा है। 275 250 से 275 के बीच में अगर यह शेयर मिलता है तो आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं, वरना 300 रुपए से तो महंगा में खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है और डेफिनेटली 200 250 रुपए तक जाने के बाद एक बड़ा रिवर्सल भी आएगा, जिस तरीके से इसे पहले भी आया था, तेजी आई थी, दोबारा से तेजी भी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। दूसरा शेयर है आइनॉक्स। देखिए, मल्टीप्लेक्स हाल फिलहाल में आप देखें कि जो भी फिल्में रिलीज भी हुई है मल्टीप्लेक्स में उन्होंने उतना अच्छा बिजनेस नहीं किया है, क्योंकि कोरोना की बदौलत अगर देखने की कोशिश करें तो लोग आज भी थिएटर में जाने से डरते हैं, कतराते हैं। यहाँ पर देखें तो पिछले 1 महीने में आइनॉक्स के शेयर में भी गिरावट है, 21% की भयंकर गिरावट, 330 रुपए के लेवल से टूटकर 260 रुपए तक आया है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में
सिर्फ 13% का ही ग्रोथ है। इससे पहले शेयर 165 रुपए तक टूटा था, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई, 300 साढ़े 300 रुपए तक शेयर पहुंचा, अभी फिर से गिरावट है, 260 रुपए तक गया है। एटलीस्ट आइनोक्स में भी मुझे लगता है कि अभी यहाँ से शेयर और 15-20% तक हल्का हो सकता है, तो बाइंग करने की सलाह नहीं है, क्योंकि थिएटर्स मुझे नहीं लगता कि आपको खुलते हुए नजर आएंगे, और अगर खुलते भी हैं तो मूवी रिलीज मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी मूवी रिलीज करने का कोई जोखिम उठाएगा। ज्यादातर जो मूवी अभी हाल फिलहाल में रिलीज हो रही है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही हो रही है, सबको नेटफ्लिक्स और अमेजोन की आदत लग चुकी है, और कहीं ना कहीं इनको इससे थोड़ा बहुत खतरा भी है। तो आइनॉक्स मैं 260 पे खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अगर ये शेयर आपको 200 से 225 रुपए के बीच में मिलता है तो बाइंग के लिए एक बढ़िया मौका भी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो नजर रखिए उस लेवल के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं, और डेफिनेटली मौका मिलने वाला है। तीसरा शेयर इसी का है, भाई है, बड़ा भाई है इसका, 1050 रुपए का शेयर है पीवीआर का, दोनों एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर भी 26% की गिरावट है, 1422 रुपए से लगातार ये शेयर टूट रहा है, और ये गिरावट और भी ज्यादा गहरा सकती है। अब देखिए 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 1 साल में 10% की गिरावट है, 1565 रुपए तक शेयर पहुंचा था, 750 रुपए तक टूटा था ये शेयर कोरोना काल में, और दोबारा 2 गुना हो गया वहां से, लेकिन अब वापस गिरावट आई है और शेयर बहुत ज्यादा हल्का हुआ भी है। और जैसे कि मैंने रीजन आइनॉक्स के दिए वही रीजन है, मल्टीप्लेक्स आपको खुलते हुए देखने को नहीं मिलने वाले हैं काफी लंबे अरसे तक, और अगर खुलेंगे भी तो भैया मूवीज कोई उतनी बड़ी रिलीज करने का जोखिम नहीं उठाने वाले हैं, तो प्रॉब्लम है दोनों ही शेयर्स में, लेकिन मौका भी है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ से शेयर अगर आपको 800 रुपए के करीब मिल जाता है तो बाइंग का मौका है यहाँ पर भी। देखिए पिछली बार जिस लेवल तक शेयर पहुंचे थे आप उस लेवल तक का आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए तो इस बार भी यही होने वाला है, पिछली बार जिस लेवल पे थे उस उतने बड़े लेवल तक तो नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ उससे थोड़ा ऊपर ही रहने वाला है। जैसे कि 165 रुपए का ही है तो आप मान सकते हैं कि 200 रुपए के आसपास का जो लेवल है वो खरीदारी के लिए अच्छा है, पिछली बार यहाँ पर 750 का था, तो इस बार मान सकते हैं कि भैया 800 साढ़े 800 रुपए का लेवल एक अच्छा बन सकता है यहाँ पर बाइंग का। तो पिछली बार जिस लेवल तक शर्ट टूटा था उसको आप एक वैल्यू लेकर चल सकते हो कि भैया उतना तो नहीं टूटेगा लेकिन हाँ उससे थोड़ा ऊपर रहने वाला है ये। चौथा शेयर स्पाइसजेट का है, देखिए एविएशन सेक्टर भैया फ्लाइट्स नहीं उड़ रही है, ठीक है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन है, और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी अगर हम देखें तो बढ़ते केस के कारण ट्रैवल लोग अननेसेसरी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 1 महीने में ये बहुत टूटा है, 16-17% तक ये भी टूटा है, और एक एक साल की बात करें तो ये वो शेयर था जो 106 रुपए तक दौड़ गया था, अब देखिए उसके बाद लगातार गिरावट है, यहाँ पर 40 रुपए से उठकर ये ऊपर आया था। देखिए यहाँ पर भी आप एक अजम्पशन मान सकते हैं कि अगर 45-50 रुपए तक शेयर जाता है स्पाइस जेट का तो बाइंग का एक बढ़िया मौका है, क्योंकि देखिए तेजी तो आने वाली है ये हर कोई जानता है। देखिए कोरोना का जो पीक आया है इसकी वजह से जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो एक टेम्पररी है, जो इससे पहले भी हमें देखने को मिली थी, ठीक है, पिछले साल, लेकिन बाद में जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती गई जो ये जो ग्राफ है जो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता गया केस का, वैसे वैसे मार्केट की तेजी लौटती गई, और वही चीज दोबारा भी देखने को मिलेगी। एक पीक बनने के बाद जब गिरावट की तरफ केसेस आना शुरू होंगे तो ये शेयर भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो नजर रखना जरूरी है इन कंपनियों के ऊपर। चौथा भी भैया इंडिगो का है, 1585 रुपए का शेयर है, 1 महीने में देखें तो इंडिगो के शेयर में भी हमें 6% की गिरावट देखने को मिली है, 1770 रुपए के शेयर टूटकर बिखरा है, 1 साल में देखिए तो पिछले 1 साल में 56% का ग्रोथ है, ये 870 रुपए तक पहुंचा था और 1800 रुपए तक का हाई भी इसने बनाया था, तो इसका वैल्यू आप 1000 रुपए का मान के चल सकते हो कि 1100 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो बाइंग का बढ़िया मौका है। ये 5 कंपनी है जिस पर नजर होनी चाहिए, और ये अगर अपने प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर है, प्रीवियस लो तक तो नहीं जाएगा, ठीक है, जैसे कि आइनोक्स 165 रुपए तक तो नहीं टूटेगा, ठीक है, एटलीस्ट आप 200 मान के चल सकते हो यहाँ पर। पीवीआर की भी मैं बात करूँ तो भैया 750 रुपए तक तो ये भी नहीं टूटेगा, आप 800 साढ़े 800 मान के चल सकते हो। स्पाइस जेट 40 रुपए का यहाँ पे लो था तो वहां तक तो नहीं जाएगा, आप 50-55 मान के चल सकते हो। इंडिगो
870 रुपए तक टूटा था, तो यहाँ पर उतना नीचे तो नहीं जाएगा। आप यहाँ से 1100 रुपए के आसपास का लेवल मान के चल सकते हो। वीआईपी की भी अगर मैं बात करूँ तो 203 रुपए तक ये गया था, तो 250 रुपए तक का आप मान के चल सकते हो। तो इस तरीके का लेवल आप समझिए। और देखिए, पिछली बार बहुत ज्यादा पैनिक था लोगों के लिए, ये जो गिरावट थी ये नई थी, इसीलिए लोग बिकवाली कर रहे थे। लेकिन इस बार की जो गिरावट आएगी उसमें लोग भर भर के खरीदारी करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट बढ़ने ही वाला है। सबने एक साल में शेयर को 2-3 गुना होते हुए देखा है, तो इसीलिए जब मार्केट टूटेगा लोग खरीदारी करेंगे। इस बार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट अभी भी नहीं टूट रहा है। उसका रीजन यही है कि लोगों को पता है कि भैया मार्केट वापस से बाउंस बैक करेगा, इसीलिए लोग बेचने को तैयार नहीं है। तो अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर कि अगर टूटता है, हालांकि टूटने की शुरुआत होगी, यहाँ पर एक पैनिक मोमेंट जरूर आएगा यहाँ पर मार्केट में, जहां पर लोग बेच कर एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे। और जब शेयर टूटेगा तब आपको एंट्री करने में हर्ज नहीं होना चाहिए। बढ़िया क्वालिटी के ये शेयर है, सभी शेयर्स बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही स्ट्रांग शेयर्स हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया शेयर है। अगर टूटते हैं, नीचे आते हैं, तो खरीदारी का मौका यहाँ पर जरूर बनेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इन 5ों शेयर्स में से आपको क्या लगता है कि कौन सा शेयर बहुत ही बढ़िया होगा, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।